हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ 4 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तथा इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है। उत्तर देखेंगे हम, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। इसके बाद प्रश्न 2 देखेंगे, सूक्त से क्या आशा है। उत्तर देखेंगे, सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। इसके बाद हम प्रश्न 3 देखें, ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। उत्तर देखेंगे, ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु भुर्ज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। इसके बाद प्रश्न 4 देखें, दास या दस्यु किसे कहा गया है। उत्तर देखेंगे, अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। इसके बाद प्रश्न 5 देखें, प्रश्न 5 है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः किन किन नदियों का जिक्र है। उत्तर देखेंगे, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। इसके बाद प्रश्न 6 देखेंगे हम, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। उत्तर देखेंगे, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, गड्ढे खोदना, शिलालेखों को ढोकर लाना, बड़े बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इस प्रकार से प्रश्न को तर्क लिख देंगे। प्रश्न 7 देखेंगे, महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वह किस बात को स्पष्ट करता है। तो उत्तर देखेंगे, वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। प्रश्न 8 है, इमाम गाँव में पुरातत्वविदों को किन किन खाद्यान्नों के बीच मिले हैं, नाम लिखिए। तो इमाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 9 है, लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं को किस प्रकार जाना जाता था। उत्तर देखेंगे, दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ दूसरे अनुयायी थे। इस प्रकार से उत्तर का लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 10 देखें, युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा किस प्रकार किया जाता था। उत्तर देखेंगे, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। इस प्रकार हमारे 1 से 10 तक इन प्रश्नों के उत्तर संपूर्ण हल हो जाते हैं। आशा है बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।